मैंने यहाँ पे नॉर्मल चावल लिया हुआ है, बासमती चावल नहीं है। यहाँ पर मैंने 2 कटोरी चावल लिया है, इसको मैं अच्छे से पानी से वॉश कर ले रही हूँ। अब मैं कुकर को गैस पे गर्म होने के लिए रख दी हूँ और उसमें ऑयल डाल रही हूँ। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है। ये कम ऑयल में ही बहुत ही टेस्टी पुलाव बनकर तैयार होता है। आप इस तरह से बना कर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। अब मैं इसमें, यहाँ पर मैंने लाल मिर्ची लिया हुआ है, ये मैं इसमें डाल दे रही हूँ। जीरा है, इसको भी इसमें डाल दे रही हूँ। तेज़पत्ता है, ये भी इसमें डाल दे रही हूँ। और मूंगफली ये इसमें डालकर रोस्ट कर ले रही हूँ। मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो जाए, ये देखिए मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब मैं इसमें ये कटे हुए आलू, मैंने मीडियम साइज में आलू को कट किया हुआ है, ये मैं इसमें डाल दे रही हूँ। स्प्लिट किया हुआ हरी मिर्च मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और स्लाइस में कटा हुआ प्याज, मैंने 2 प्याज लिया हुआ है, बड़े प्याज मैंने लिया हुआ है, ये मैं इसमें डाल दे रही हूँ। अब मैं इसको अच्छे से भून ले रही हूँ। इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, केवल प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए उतना ही भूनना है। ये देखिए अच्छे से अब सारा भुन गया है। अब मैं इसमें 1 छोटा कटा हुआ टमाटर मैंने लिया है, ये मैं इसमें डाल दे रही हूँ। यहाँ मैंने अदरक का पेस्ट लिया हुआ है, आप चाहें तो अदरक को क्रश करके भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने कटा हुआ लहसुन लिया हुआ है, ये इसमें मैं डाल दे रही हूँ और इसको मिक्स कर ले रही हूँ। और इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। अब मैं इसमें मसाले डालूँगी। यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर मैंने लिया है, ये इसमें डाल दे रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून बिरयानी मसाला लिया है, जो मैंने घर पे ही बनाया है, ये मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, ये इसमें मैंने डाल दिया और इसको मिक्स कर ले रही हूँ अच्छे से। आप चाहें तो इसी समय लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला क्योंकि मिर्ची तीखी थी। अब मैं इसमें 1/2 कटोरी मिक्स किया हुआ दही डाल दे रही हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें पालक डाल दे रही हूँ, जो कटा हुआ पालक है, मैंने इसको अच्छे से धो के कट कर लिया है, ये मैं इसमें डाल दी और इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। ये देखिए अच्छे से 1-2 बार मैंने इसको भून लिया है। अब मैं यहाँ पर चावल मैंने जो धो के रखा था, ये अब मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसको अच्छे से अब मैं मिक्स कर लूँगी। इसको अच्छे से मैं मिक्स कर ले रही हूँ। ये देखिए अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें जितना मैंने चावल डाला था उसका 2 गुना मैं इसमें पानी डालूंगी। जैसे मैंने 2 कटोरी चावल लिया था, तो इसमें मैं 4 कटोरी पानी डालूंगी।
और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर ले रही हूँ। अब ये मिक्स हो गया है। अब मैं स्वाद अनुसार अब मैं इसमें नमक डाल दी। और इसको मिक्स कर ले रही हूँ। अब मैं इसमें हाथों से मैश किया हुआ कसूरी मेथी 1 टीस्पून इसमें मैंने डाल दिया है और इसको मिक्स कर ले रही हूँ। अब कुकर का लिड लगाकर इसको 1 विजल तक आने तक इसको मैं कुक करूँगी। इसका सारा प्रेशर निकल गया। अब मैं कुकर का लिड खोल रही हूँ। ये देखिए टेस्टी पालक पुलाव बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए इसका चावल कितना खिला खिला है और कितना टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए टेस्टी पालक पुलाव बनकर तैयार हुआ। इसी तरह से आप अपने परिवार को बनाकर खिलाइए, सबको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।